नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव कुशवाहा और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोग स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग को बताऊंगा कि ग्रेडर 120 एच का एक्सल बैरिंग कैसे फिटिंग करते हैं और ब्रेक प्लेट या डिस्क प्लेट कैसे फिटिंग करते हैं उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। दे सकते हैं इसमें दो बैरिंग लगती हैं, एक रोल बैरिंग एक कप बैरिंग। सबसे पहले हम दे सकते हैं एक्सल का हाउजिंग रखा हुआ है, इसमें कौन बैठाएंगे और उसके बाद में सील को भी फिटिंग करेंगे और एक्सल सील कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दे सकते हैं छोटी बैरिंग है, दो बैरिंग इसमें लगती हैं जो हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे और एक्सल कैसे फिटिंग होता है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं हमने बैरिंग को ऐसे अभी डाल दिया है कोन फिटिंग करके और उसके बाद में चलिए हम एक्सल में दिखाएंगे कैसे सील फिटिंग होगी और कैसे हम डिस्क प्लेट को चेंज करेंगे। देख सकते हैं ये बैरिंग जो बेंड हो चुकी है, कोन उसका क्रैक हो चुका है, उसको हम फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमने एक एक्सल को फिटिंग कर लिया है, उसको सेम उसी तरह हो, इसमें सिर्फ इस पॉकेट प्लट आके लगाते हैं। हम आपको पीछे वाले एक्सल का दिखा रहे हैं, आगे वाले एक्सल का फिटिंग कर दिए हैं। चलिए दिखाते हैं, हमने बैरिंग को पहले ही डाल लिया है और सील को भी देख सकते हैं हमने फिटिंग कर दिया है। चलिए हम एक्सल हाउजिंग जो मेन है हब को फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सील फिटिंग कर ली है हमने एक्सल पे, वो देख सकते हैं सील लगी है, दो सील लगती है इसमें। चलिए हम देख सकते हैं हमने फिटिंग कर दिया है अब वो। इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि डिस्क प्लेट कैसे लगती हैं उसके बारे में। ये हमारे मैकेनिक मुर्शीद भाई हैं जो कि एक्सल फिटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं गियर है इन्हीं के, इसी के ऊपर हम सभी प्लेट को लगाएंगे जो डिस्क प्लेट हैं। एक के टीथ अंदर की तरफ रहेंगे और एक के बाहर की तरफ। दोस्तों जो अंदर रहेंगे उस 9 लगेंगे और जो बाहर वाली वो 10 लगेंगी एक एक्सल में। टोटल 40 और 36 लगती हैं, चारों जगहों को मिलाकर हल्का आईलाइन डालकर भी फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं हम सभी आपको डिस्क प्लेट या ड्राइव प्लेट या क्लच प्लेट भी बोल सकते हैं, सभी को एक करके फिटिंग करके दिखाते हैं कैसे फिटिंग होगा। दोस्तों वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझ में आएगा कैसे फिटिंग करते हैं। देख सकते हैं बहुत बारीकी समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देख सकते हैं हमने सभी को एक करके सभी प्लेट को फिटिंग कर रहे हैं और अगर आपको समझ में आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें बैरिंग कौन कौन सी लगती हैं और क्या क्या नंबर के हम वो भी बता सकते हैं, पार्ट नंबर भी बता सकते हैं, कैटलॉग भी आप लोग को दे सकते हैं। और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा लाइक से शेयर करें, कमेंट करें। दे सकते हैं हमने सभी प्लेटों को फिटिंग कर रहे हैं एक एक करके, इसको हम क्लच प्लेट ड्राइव प्लेट भी बोलते हैं, डिस्क प्लेट भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग एक प्लेट के बाहर की तरफ टीथ और एक की अंदर की टीथ जो कि अपना इसमें ब्रेक भी काम करता है और जिसमें इस पॉकेट कैसे लगाएंगे वो भी दिखाएंगे और अभी एक बैरिंग भी आपको फिटिंग करके दिखाएंगे कैसे बैरिंग फिटिंग होगी उसके बारे में भी दिखाएंगे और एक्सल की जो प्लेट है हब की उसको भी फिटिंग करके दिखाएंगे और हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे जो हमने लगाया बराबर काम कर रहा है या नहीं। ले सकते हैं लगभग में सभी प्लेटें फिटिंग हो गई हैं।
दे सकते हैं दोस्तों। और जो प्लेट बची हैं उनको भी चलिए फिटिंग कर देते हैं फटाफट, और उसके बाद में हम बैरिंग फिटिंग करके दिखाते हैं कि बैरिंग कैसे फिटिंग होगा। दे सकते हैं, देख सकते हैं, हम इनको डिस्क फ्रिक्शन और डिस्क प्लेट बोलते हैं। चलिए सभी हमने प्लेटों को फिटिंग कर दिया है और चलिए बैरिंग को फिटिंग कर देते हैं, जिससे हम मैंने कोन को पहले ही फिटिंग कर लिया था। और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसे दोस्तों हमने कट कर करके बनाया हुआ है, जिससे आप लोग को समझ में आ सके और बारीकी से समझा रहे हैं आप लोग को। एक डिस्क फ्रिक्शन प्लेट है और डिस्क प्लेट है, देख सकते हैं, सभी अपने प्लेटों को बैठा दिया है। चलिए अब हम उसको लगा लेते हैं बैरिंग को, और इसमें हम साइड से ना वो लगा लेंगे, जिससे प्लेट जो लगाएंगे हम हब की वो लीकेज ना हो, और हम ये नमून चारों तरफ अच्छे से भर के फिटिंग कर देते हैं। चलिए देख सकते हैं, जो हब की प्लेट है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने देख सकते हैं कौन को ठोक रहे हैं, हमको हमने आपको पहले शुरू में दिखा दिया कैसे कौन फिटिंग करते हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी फटाफट ठोक करके फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं कौन फिटिंग हो गया है, और इसके बाद में बैरिंग फिटिंग करके दिखाएंगे कि बैरिंग कैसे फिटिंग हो गया एक्सल पे। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये हम हब की प्लेट को फिटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं हल्का सा घुमा लेंगे, इससे डबल पे बैठ जाए, और फिर बैरिंग को भी फिटिंग कर दिखा देते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर एक ओरिंग लगेगी, और उसके बाद में हम चाइनीज पॉकेट डाल के दिखा, जिसमें कि इस पॉकेट में 10-20 टीथ होता है, एक टेंडम में 4 इस पॉकेट लगते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अभी सही से बैठा नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं बैठ गया सही से। और चलिए हम अब फिटिंग कर दिखाते हैं बैरिंग को, सही से फिट कर दें। देख सकते हैं दोस्तों दो बोर्ड लगा लेते हैं, चलिए अब हम बैरिंग को फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं बैरिंग हमने डाल दिया है, और चारों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करके बैठा देते हैं प्लेट पर। देख सकते हैं दोस्तों दोनों बैरिंग फिटिंग हो चुकी है। चलिए हम इस पॉकेट के लगाते हैं, इसको हम अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ लगाएंगे। एक हमने अंदर तरफ दे सकते हैं रखा हुआ एक्सल, उसको फिटिंग कर दिया है, इसका जो कॉलर है वो अंदर की तरफ रहेगा। दे सकते हैं आप लोग ये फिट हो गया। इसमें चलिए हम लॉक प्लेट और बोल्ट डाल देते हैं और टाइट कर देते हैं। दे सकते हैं हमने प्लेट लगा कर बोर्ड टाइट कर दिया है, और इस पॉकेट भी फिटिंग कर दी है। चलिए अब हम गेटर पर चढ़ा कर दिखाते हैं और चला कर दिखा देते हैं कैसे ड्राइव करता है। फुल टाइट हमने कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग, हमने सही से तीनों बोल्टों टाइट कर लिए, जिससे इस पॉकेट बाहर ना आए।
दे सकते हैं दोस्तों। दे सकते हैं अपना, फ्री भी है, जाम भी नहीं है, ये दे सकते हैं आप लोग। हमने फ्री करके रखा हुआ है दो दो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।